नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे घर का जो सामने का पोर्च होता है, जहाँ से हमारे घर में एंट्री होता है, तो वहाँ पे क्या है कि दीवारों पे टाइल लगवाया जाता है ताकि हमारे घर का जो लुक है वो बढ़िया दिख सके, सुंदर दिख सके। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ आइडिया दे दूंगा, वहाँ पे अलग अलग तरह के जो टाइल आप लगवाते हो उसी के लिए आपको मैं एक आइडिया दे दूंगा, ताकि आपका जो घर का जो सामने का पोर्च है उसका जो एंट्री है वो दिखने में बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिख सके। तो चलिए दोस्तों चलते इस साइड पे, देखिएगा यहाँ पे ये हमारा सामने का पोर्च है और देखिएगा जो दीवारों पे किस तरह से स्टोन लगवाया हुआ है। रेगुलरली क्या होता है, जो भी वहाँ पे टाइल लगवाया जाता है, जो भी ओनर है उनके ऊपर डिपेंड रहता है उसका जो कॉस्ट है वो कितना होता है कितना नहीं, वो सब जानकर वो वहाँ पे मटेरियल यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो लगवाया हुआ मटेरियल है वो स्टोन का मटेरियल है, यानी प्रॉपरली स्टोन है, वो रेगुलरली वहाँ पे टाइल लगवाते हैं। तो देखिएगा किस तरह से दिखता है ये जो मटेरियल है। टोटली बॉक्स वाला डिज़ाइन वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जो अलग अलग तरह के बॉक्स है उसमें देखिएगा डिज़ाइन भी है। देखिएगा 9 इंच बाय 9 इंच का जो स्टोन है बॉक्स वाला, उसमें किस तरह से वहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरह के अलग अलग साइजेस के वहाँ पे स्टोन यूज़ किए हैं, जो कि 4 इंच बाय 4 इंच का है, उसके बाद 4 इंच बाय 9 इंच का है, 9 इंच बाय 9 इंच का है। इस तरह के अलग अलग साइजेस के वहाँ पे स्टोन का यूज़ किया है, जो कि साइजेस है वो प्रॉपरली वहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि इतना जो प्रॉपरली वर्क करना डिफ़िकल्ट है बहुत, और साइजेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्यूरेट वर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरह का वर्क करने के लिए जो वर्कर है वो भी वहाँ पे स्किल वाले होने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि काम जो आपको वहाँ पे अच्छा करना होगा, बढ़िया करना होगा, तो वहाँ पे वर्कर जो है वो भी स्किल वाले होने बहुत ही ज़रूरी हैं। देखिएगा स्टोन वाला जो मटेरियल है वो किस तरह से दिखता है, उसके बीच में वहाँ पे ग्रू दिए हुए हैं। देखिएगा दो स्टोन के बीच में वहाँ पे ग्रू दिया हुआ है, जो कि वहाँ पे चैम्पर दिया है, यानी ग्राइंडर का यूज़ करके जो उसे जो है उस स्टोन को वो रगड़ते हैं, घिसते हैं, और उसी के साथ वहाँ पे चैम्पर बनवाया जाता है। जो भी आपको बीच में वहाँ पे ग्रू दिखता है उसे वहाँ पे चैम्पर बोलते हैं। वहाँ पे मोल्डिंग भी होता है, चैम्पर भी होता है, अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से वहाँ पे वर्क किया जाता है। तो कुछ इस तरह से वहाँ पे फ्रंट के लिए, पोर्च के लिए जो डिज़ाइन है वो बनवाया हुआ है। तो दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका जो पोर्च का जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर के सामने पोर्च का जो डिज़ाइन है वो बनवा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के मैं सिविल रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। यदि आपका सामने का पोर्च होगा, फ्रंट एलिवेशन होगा, उसी के साथ आप अपने घर के काम में कुछ गलतियाँ कर देते हो, हर तरह के मैं वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। इसी तरह वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।